तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी कॉलरिज का एक वर्क, बहुत ही फेमस वर्क, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। ये जो वर्क है दोस्तों 1817 में पब्लिश हुआ था, इसके अंदर चैप्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वर्क एक नोवेल की तरह है दोस्तों, जिसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट शामिल किए हैं इसके अंदर एसटी कॉलरिज ने, और ये वर्क आज बहुत ही फेमस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दोस्तों, बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अंदर वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है उसको क्रिटिसाइज किया है एसटी कॉलरिज ने, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया एसटी कॉलरिज का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसमें 23 चैप्टर्स हैं, एक तरह से नोवेल ही मान लो इसको, नोवेल की तरह है, जिसको 1817 में पब्लिश करवाया गया था। आज ये क्रिटिकल थ्योरी में बहुत ही ज़रूरी वर्क माना जाता है, हालांकि उस वक्त इसको किसी और तरीके से लिखने की कोशिश की गई थी। एसटी कॉलरिज का ये इरादा था कि इस बायोग्राफी लिटरेरिया को एक प्रीफेस की तरह लिखा जाए, जैसे कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, उसमें उनकी पोएट्री की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पोएट्री है। तो उसी तरह से बायोग्राफी लिटरेरिया एक प्रीफेस की तरह लिखने की कोशिश की थी उन्होंने भी, एसटी कॉलरिज ने, अपनी पोएम्स के एक कलेक्शन के लिए, जिस कलेक्शन का नाम था सिबिलाइन लीव्स। तो सिबिलाइन लीव्स के एक प्रीफेस की तरह लिखने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब ये वर्क वो लिखने बैठे तो बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने, और लिखते लिखते बहुत सारा लिख दिया, जिसको दो वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया। एक ऑटोबायोग्राफी बन गई है दो वॉल्यूम्स की, जिसमें 23 चैप्टर्स हो गए। और एसटी कॉलरिज भी अपने इस बायोग्राफी लिटरेरिया को दोस्तों एम मैथोडिकल मिसेलनी मानते थे। एम मैथोडिकल का मतलब जो ठीक तरह से व्यवस्थित ना हो, एम मैथोडिकल मिसेलनी अपने लाइफ और ओपिनियंस की। और इस ऑटोबायोग्राफी में दोस्तों डिस्कोर्स हैं, डिस्कोर्स का मतलब बातचीत में अपनी बात को बताना, कोई प्रवचन या उपदेश टाइप देना। मैंने आपको बताया कि शुरू में इस वर्क का मकसद था कि एसटी कॉलरिज अपनी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन दें और अपनी पोएम्स के स्टाइल को जस्टिफाई करें, लेकिन बाद में इसमें बहुत कुछ उन्होंने शामिल किया। वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में जो उन्होंने थियोरी ऑफ पोएट्री दी है उसका भी क्रिटिसिज्म किया यहाँ पर एसटी कॉलरिज ने। तो शुरू करते हैं, एसटी कॉलरिज अपने इस वर्क को शुरू करते हैं अपनी स्कूल लाइफ से, स्कूल लाइफ को याद करते हुए। वो डायरेक्टली अपने बचपन से नहीं बताते हैं, डायरेक्टली वो अपनी स्कूल लाइफ से बताते हैं, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूलिंग जो उन्होंने जेम्स बॉयर के अंडर की थी एक ग्रामर स्कूल में। इस स्कूल का नाम हम सबको पता है, क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये वो टाइम था जब ये अपने पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट का बेस तैयार कर रहे थे। ये टाइम रिफ्लेक्ट करता है कि जब इस टाइम पर कॉलरिज अपनी फॉर्मल एजुकेशन ले रहे थे, जब इनकी फॉर्मल एजुकेशन चल रही थी, जिसकी वजह से कॉलरिज ऐसा मानते हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन जो थी इसकी वजह से उस टाइम पर इनकी क्रिएटिव स्पिरिट जो थी वो दब गई कहीं ना कहीं। और इसी के साथ ये शुरुआत में कुछ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ये स्ट्रक्चर से बने हुए लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। और एसटी कॉलरिज यहाँ पर बोलते हैं कि असली क्रिएटिविटी और फ्रीडम हमेशा स्कूल की विंडोज़ की बार्स पर मिलेगी। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक इंसान की जो स्पिरिट होती है वो जन्म के साथ ही फ्री होती है। तो एक बच्चे को जहाँ वो घूमना चाहता है बाहर, उसको घूमने देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको बिल्डिंग्स में कैद करके रखा जाए अकेले कमरे में। ये सब वो इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद वो क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, लैंग्वेज पर अपनी क्रिटिकल थ्योरी की। लैंग्वेज के मामले में वो इस बात को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि माइंड कोई मैकेनिकल रिसेप्टिकल होता है आइडियाज़ के लिए, बजाय इसके माइंड तो एक एक्टिव एजेंट होता है इन द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। फिर कॉलरिज बताते हैं कि इमेजिनेशन क्या होती है। इमेजिनेशन को वो एक इम्प्लास्टिक पावर बोलते हैं। इम्प्लास्टिक पावर का मतलब इस पावर के ज़रिए ह्यूमन सोल इस यूनिवर्स को समझ सकती है, इसकी रॉ फॉर्म को, जिसको स्पिरिचुअल यूनिटी भी बोलते हैं। यही एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है समझने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको फैंसी की कैटेगरी में रखते हैं यहाँ पर। मतलब इमेजिनेशन और फैंसी में फ़र्क बताया यहाँ पर एसटी कॉलरिज ने, वो मैं आपको बताता हूँ। यही चीज़ दोस्तों इस वर्क में सबसे ज़्यादा समझने लायक चीज़ है, इमेजिनेशन और फैंसी में फ़र्क। इमेजिनेशन दो टाइप की होती है यहाँ पर वो बोलते हैं, पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। वो बोलते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है,
ह्यूमन परसेप्शन का एक प्राइम एजेंट होती है, मतलब हम अपनी सेंसेस के थ्रू बाहर से इम्प्रेशंस लेते हैं, तो ये होती है प्राइमरी इमेजिनेशन। मतलब ये सब में होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन सब में होती है। एक कॉमन इंसान जो करता है इमेजिनेशन, वो होती है प्राइमरी इमेजिनेशन। इसको हर कोई कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन ये हर कोई नहीं कर सकता, इसको आर्टिस्ट करता है। कहने का मतलब, सेकेंडरी इमेजिनेशन करने में एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, और ये इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव होती है। प्राइमरी इमेजिनेशन से ज़्यादा एक्टिव होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। लेकिन ये सेकेंडरी इमेजिनेशन को रॉ मटेरियल्स तो मिलते प्राइमरी इमेजिनेशन से ही हैं, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन में एफर्ट्स के ज़रिए इनको शेप मिलती है, इन रॉ मटेरियल्स को। और इसको कॉलरिज बोलते हैं, एक मैजिकल और सिंथेटिक पावर। वैसे तो दोनों टाइप की इमेजिनेशन जो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस सेकेंडरी इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव होती है, ये फ़र्क होता है दोनों में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो बोलते हैं इमेजिनेशन और फैंसी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर एस्ट्री कॉलरिज बोलते हैं कि इमेजिनेशन तो क्रिएटिव होती है, लेकिन फैंसी किसी भी तरह से क्रिएटिव नहीं होती। इमेजिनेशन में नई शेप्स और फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी को क्रिएट किया जाता है, जबकि फैंसी क्रिएटिव नहीं होती, ये मेमोरी की तरह होती है। फैंसी जो होती है मेमोरी की तरह होती है। और इस चीज़ को समझाने के लिए वो शेक्सपियर की एक पोएम वीनस एंड अडोनाइस की कुछ लाइनें उठाते हैं। इमेजिनेशन और फैंसी में फ़र्क बताने के बाद में अब वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को मेडिटेट करते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री दोस्तों नेचुरल मानी जाती है, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करके वो पोएट्री लिखा करते थे ताकि हर कोई उस पोएट्री को समझ सके। लेकिन एस्ट्री कॉलरिज यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री भी किसी दूसरे पोएट की तरह उतनी ही आर्टिफिशियल है जितनी दूसरे पोएट की है, क्योंकि कोई भी पोएट्री नेचुरली नहीं लिखी जा सकती, बहुत कुछ उसके लिए सोचना पड़ता है, वर्ड्स सोचने पड़ते हैं, डायरेक्टली लिख नहीं सकते जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा जाता है। जब लिखने से पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है तो नेचुरल कैसे हुई पोएट्री। लेकिन वो यहाँ पर बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ की ये एक्सीलेंस है, उनकी एबिलिटी है कि वो ऑर्डिनरी नेचुरल इमेजरी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल इमेजरी में बदल देते थे अपनी नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके। और इसके बाद कॉलरिज अपने इस वर्क बायोग्राफी या लिटरेरिया को ख़त्म करते हैं वर्ड्सवर्थ के इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते हुए कि पोएट्री में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो रियल लाइफ से ही लेनी चाहिए। बजाय इसके एस्ट्री कॉलरिज बोलते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस में मीटर और पोटेंशियल राइम स्कीम होती ही हैं। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।